गोहाना में जेसीआई स्टार द्वारा लाइव थिएटर ड्रामा पापा मैन शो का आयोजन किया गया। इस शो के माध्यम से परिवार में पापा के संघर्ष को दर्शाया गया। इसी के साथ ड्रामा में जमकर हंसी मजाक भी हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चेयरपर्सन रजनी विरमानी, वीरेंद्र आर्य और अरुण बड़ो मौजूद रहे। ड्रामा में हेमंत अग्रवाल और उनकी टीम ने खासा रंग जमाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रवि बत्रा, परियोजना हैप्पी ग्रोवर, साजन कपूर, पंकज कटारिया, सुशील मेहता और मार्गदर्शन नीरज मेहता, विशाल गोयल, मुकेश देवगन, ललित ठुकराल, विशेष सहयोग की भूमिका में मनोज ठकराल, जितेंद्र शर्मा, मनोज सरदाना, मोहित मेहता, पवन राजपाल, राजन मल्होत्रा, रिंकू चावल, विनोद शर्मा और विजय बत्रा आदि का सहयोग रहा। गोहाना की आन बान शान, गोहाना जैसे स्टार हमें हमेशा ऐसी चीज दिखाता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी हो। मैंने गोहाना में आज तक थिएटर नहीं देखा था, आज थिएटर दिखा दिया और उस थिएटर के माध्यम से ये भी सिखा दिया कि हर जीवन में हमारे जितने फैमिली मेंबर हैं उनमें सबकी अपनी एक अलग भूमिका है और सबकी एक अलग कदर है। और तमाम ये हीरे जवाहरात हमारे आज मंच पे खड़े हैं शहर के। सबसे पहले तो मैं मेरे दादाजी से शुरू करना चाहूँगा, जय सिंह ठेकेदार जी। दादाजी, आपके ज़माने में तो होते थे ये थिएटर वगैरह, मतलब आज तो रील्स वाला ज़माना आ गया मोबाइल पे। नहीं, आज ज़माना ही दूसरा आ गया है। पहले ये थिएटर इस टाइप के होते थे, परंतु आज ये फिर शुरुआत होने लग रही है। ये एक समाज के लिए आज बहुत बड़ा संदेश दिया है कि माँ माँ नहीं भाई, बाप का भी अहम रोल होता है जिंदगी में और माँ बाप दोनों की सेवा करनी चाहिए। ये सभी ना आज यहाँ से क्या नाम संदेश लेके गए हैं और इस बात की तरफ, और जो बहुएं हैं वो सासुर ससुर का भी करें। दोनों संदेश हैं, माँ बाप नहीं और सासुर ससुर भी, वो भी माँ बाप हैं, तो उसका एक संदेश लेके गए हैं। और मैं मानता हूँ कि जितने आज थिएटर में आए थे उन सभी ने इस बात को अनुसरण करेंगे। और जो हमारी टीम जो जिन्हें ये ऑर्गेनाइज किया है जेसीआई, मैं उस सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और जितने भी आर्टिस्ट थे उन सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही नेक और सही लोगों को संदेश दिया। राजीव, वैसे तो पूरी टीम ने अपने अपने काम किए, आपका फेवरेट कलाकार कौन सा था? मेरा एक तो अपने गुप्ता जी, जो मैं आ जाओ आ जाओ, और एक वो लड़का जो इनका जो पिलावर वो भी आ जाओ, बुला लो थी। मैं तो सबसे अच्छे इनको और इनकी जो मिस वो बनी थी डॉक्टर वो है। जीवन में स्ट्रेस भी होता है, एक ऐसा दोस्त भी संभालने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बहुत अच्छा रोल था इसका, पिंटू का। क्या बात, हाँ मतलब इनको गुप्ता जी को इन्होंने ही संभाला और लेन पे ले, और सारे परिवार को लेन पे ले आए, लड़कियों को लेन पे ले आए, और डॉक्टर साहब को जो इनकी वो मिसेज बनी थी उनको रोल लेन पे ले आए, तो इसका अहम रोल था। जिंदगी में हर आदमी का एक मेडिएटर का जो रोल होता है ना, वो इसने अच्छी तरह निभा। क्या बात है गुप्ता जी, तारीफों के पुल हैं। और गोहाना में पहली बार हम देख रहे हैं लाइव एक ऐसा मंचन जो एक संदेश भी दे रहा है, हंसी भी दे रहा है और ऐसे उत्साह से भरा हुआ था, पता ही नहीं चला था जी 2-3 घंटे कब गुजर गए हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आप लोगों का प्यार है। और भाई हमें तो लोग कहते हैं हरियाणा में लठबाजता, भाई हमारा तो मन बच गया, आप सबकी तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे भी मैम थैंक यू, स्पेशली गुप्ता जी। हरियाणा का आदमी बहुत साफ दिल है, धोखा नहीं नहीं, वो आप हरियाणा से हो गए पर रहते दिल्ली में, जो वहाँ की कल्चर हो गया ना, हरियाणा का आदमी बिल्कुल साफ सुथरा है, कभी बिल्कुल कोई धोखेबाज नहीं, कोई चीज नहीं, जो दिल में है ना उसको कहता है। कैसा लग रहा है मैडम, इतने सारे कलाकार थे और सारा कुछ? बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं पापा मैन शो के कलाकारों इन महान व्यक्तियों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि कलाकार वही है जिसकी कला लोगों को भाव विभोर कर दे। देखा आज लोगों ने इतने सुंदर मैसेज को कितने ध्यान से सुना, सबकी आंखों में आंसू आ गए कि एक पिता का जो रिश्ता होता है कि हम सिर्फ माँ की कुर्बानी को समझते हैं कि माँ एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन पिता के सपने, पिता का प्यार, क्योंकि पिता अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते करते बूढ़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं झिझोड़ दी जाती हैं, लेकिन इन बेटियों ने उन बेटा अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए बहुत सुंदर भावनाओं से अपनी कला को दिखाया, उनकी आँखों में आंसू, मतलब ये कहूँगी कि उनकी कला भाव विभोर करने वाली थी इन कलाकारों के लिए। मैं एक बार
उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इन सबको एक सूत्र में पिरोने वाले गोयल साहब, मतलब शुक्र है आपका वहाँ देखा है और यहाँ ले आए इन सबको। सर ये धन्यवाद तो मैं हमारे जोन चेयरमैन नीरज मेहता जी, उन्होंने मेरे ऊपर एक ड्यूटी लगाई कि भाई साहब आप दिल्ली जाओ और ये शो देख के आओ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसी दिन हम फाइनल कर देंगे। मैं भाई साहब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों, उन्होंने कहा भाई साफ ही जाना है। तो फिर जैसे मेरे को पता लगा भाई ये बिटिया का और पापा का, तो मैंने अपना विद फैमिली पूरा रजिस्ट्रेशन कराया गोयल साहब से बात करके, और उसके बाद मैं देखा मेरे को मतलब सच में वहाँ ऐसे कई बार ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे शो पे कि भाई पता नहीं मतलब क्या है। एक लाइव शो मैंने अपनी ज़िंदगी में जैसे काफ़ी टाइम बाद देखा था, पहले ड्रामा रामलीला वगैरह देखते थे, लेकिन ये जो इस टाइप का शो है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली फर्स्ट टाइम देखा है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने वहीं से मेहता जी को फ़ोन किया, माँ भाई साहब शो करना है जैसे भी हो। उन्होंने बोले कैसे अरेंजमेंट होगा, माँ वो वहाँ आके बात करेंगे और गोयल साहब से बात करेंगे। और अभी जब मैं शुरुआत में मेरे को MOC बनाया गया मेहता जी के द्वारा, मैं शुरुआत कर रहा था इधर, तो मैं शुरुआत कर रहा था उधर पीछे से गोयल साहब कर रहे थे जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को पीछे से हाथ मारने लग रहे थे पड़े से। तो मैं बहुत एकदम ऐसा ओछपोछ सा हो गया भाई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। हालांकि मैं इनको चार लाइनें समर्पित करना चाहता था, लेकिन उस जल्दी में मैं वो बोल नहीं पाया। सर अब बिलेटेड अभी कर रहा हूँ, सभी लोग देखते हैं तो आपको आँख भर के देखते हैं, सभी लोग देखते हैं तो आपको आँख भर के देखते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो आपके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है आप बात करते हैं तो आपकी बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है आप जब बात करते हैं तो आपकी बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो आपसे बातें करके देखते हैं। इसी तरह से एक जवाब इसी तरह से दे दो आप दो लाइनों में, इसी तरह से दो लाइनों में जवाब दे दो जो आपने मंच पे कह रहे थे। अगर मैं भी शायरी में अपने अल्फाज में, जिसमें मैं थोड़ा हास्य लिख लेता हूँ कभी, तो ऐसे ही है कि कैसे निगाहें शौक में पड़ोसन पे डाल लूँ, एक मुसीबत घर में है तो दूसरी कैसे पाल लूँ, गुस्से में आके तेल जो मैंने खुद पर छिड़क लिया तो कमरे से पत्नी बोली सुनो माचिस निकाल लूँ। चार लाइनें पूरी टीम के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए सर चार लाइनें। नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई प्यारा भी इस कदर ना लगे, आपकी पूरी टीम को देखा उस नज़र से जिस नज़र से आपको नज़र ना लगे। क्या बात है मुडक साहब, कैसा लग रहा है? आप भी अब पापा मैन शो देख चुके हो और पता है बेटी ने देख लिया साथ में। सीधा पापा मैन शो, ये अपना JCI गोहाना स्टार की पूरी टीम है, नीरज मेहता जी, मुकेश जी, हमारे MC साहब विशाल गोयल जी, इन्होंने जो आयोजन किया इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि आगे प्रोग्राम आयोजन करते रहेंगे। हम तो बचपन था जब राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा और ये सारा राजेंद्र खासा जी ये करते थे छोटे छोटे होते जब देखा, उसके बाद 25-30 साल के बाद हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा लगा। तो हम उम्मीद रखते हैं आगे भी होते रहेंगे और हम देख करते रहेंगे देखते रहेंगे। भाजी एक तो बात है, ये सारी चीजें आप देखने को मिल रही, इतनी केयरिंग है, आपके बारे में तो कोई रुस्सा मनाया नहीं करता, जो करना आप आपके चल रहा है। नहीं ये बिल्कुल सच्चाई है, देखो आज जो परिवार है ना वो औरत डोमिनेटेड है, और आज से 15 साल पहले बाप डोमिनेटेड होते थे। बाप डोमिनेटेड जब था ना, जब हर चीज लैंड पर चलती थी, और आज देखो एक सोचने की बात है, आज बच्चे जो है ना, जो छोटा बच्चा है, मैं एक चीज का एक नई चीज बताना चाहूँ कि आज परिवारों में ज्यादा जो हेत और प्रेम हो गया ना, माँ जैसे 5 साल का बच्चा है, 10 साल का या 12 साल का, बाप उसका चट्टू लगा रहा है, माँ तो दूर बैठी बैठी ये कहेगी क्यों बच्चे ने मारा न हो रहा है, समझो वहां से बिगड़ाव शुरू हो गया। मतलब गलत जो आज चीज है, जब माँ हो, माओ को भी इतना मजबूत होना पड़ेगा यदि समाज को सुधारना, अपने बच्चों को सुधारना है, जितना बाप मजबूत है उतना ही माँ को होना पड़ेगा, तब समाज में और बच्चों में परिवार में सही रहे। क्या बात है, आप तो पूरे गोहाना के चेयरपर्सन हैं, किस तरह दास जी ने जो बात कही है कितनी कारगर है। बिल्कुल, जय सिंह ठेकेदार जी मेरे पिता समान है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इनका एक एक शब्द बहुत अच्छे से व्यक्त कर रहा था कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ड्रामा ही ड्रामा ही नहीं था इसमें, जो इतना सुंदर मैसेज दिया गया कि अपने सास ससुर अपने माँ बाप की सेवा करना, इंसान वही है, सिर्फ ड्रामे को ड्रामे की नज़र से देख कर घर नहीं जाना, माँ बाप की सेवा हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा। क्या बात है, एक साथ ये हम पहले सपीतो देख के आए थे, कृष्ण सुदामा की लीला देख के आए थे, वहाँ हमने देखा भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब ऐसा था जैसे सुन हो जाते हैं ना ऐसे, बहुत सुंदर,
यहाँ भी इतना ही मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ। सुन लिया आपने मेरे दादाजी की। वो मतलब क्या करते, सीधे रहा करते, वो बात नहीं है कि पापा को अपनी बात अपनी इच्छा मनवाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, उन्होंने जो कह दिया फाइनल है। बस समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, पर हमें अपने परिवार समाज में एक जो अच्छाई होगी वो पूरे समाज में होगी और बुराई होगी पूरे समाज में होगी, इसलिए अच्छे समाज के लिए हमें अच्छा पहले परिवार बनाना पड़ेगा, फिर समाज को अच्छा करना पड़ेगा और सही बुराई वो दूर करनी पड़ेगी। और इस तरह के नाटक ये प्रेरणा देते हैं। हम पूरी जेसीआई टीम का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने गोवाना में प्रोग्राम किया और कुछ ना कुछ हम इससे शिक्षा लेंगे।